सब्सक्राइब कीजिए काबूम टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो बताने वाला हूँ मैं ऑटोडेस्क स्टोर एरर जो मैसेज आता है इसको हम लोग कैसे बंद करते हैं, जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है इसको हम लोग कैसे बंद करते हैं। अगर आपको ये जानना है तो फिर ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो ये ऑटोडेस्क एक्सचेंज स्टोर आखिर में होता क्या है? ऑटोडेस्क एक्सचेंज स्टोर जो होता है वो एक तरह का स्टोर है जिससे हम लोग ऐप वगैरह जो ले सकते हैं फ्री में, जो ऐप्स वगैरह जो फटाफट हम लोग काम कर दे, जो एक तरह के प्लगइन्स वगैरह जैसे फ्री में ले सकते हैं, मगर उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मैं रजिस्टर्ड हूँ इसके ऑटोडेस्क के वेबसाइट से, मैंने ऑटोडेस्क पे रजिस्टर्ड हूँ तो इसके वजह से मैं इधर से ले सकता हूँ फ्री में भी। जो फ्री वाले हैं कलर मैनेजमेंट वाले हैं टूल्स, यूवी मैपिंग वाले टूल्स हैं, ये सब मैं फ्री में ले सकता हूँ। इधर पे फॉरेस्ट वाले भी हैं, ठीक है, सिर्फ प्रोफाइल भी है, ठीक है, जो फ्री फ्री है इसके अंदर से यहाँ से उठा सकते हैं या फिर बाय भी कर सकते हैं प्लगइन्स को, वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस में, काफ़ी सस्ते में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं को बंद करना है, क्योंकि ये जाके पहले हम लोग को मिलता था प्लगइन, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इधर पे प्लगइन ओपन हो, मगर जाके अभी इन लोगों ने चेंज कर दिया जब से 16, 17, 18 के बाद से, ये अभी भी एरर आ रहा है क्योंकि अभी प्लगइन मिलता नहीं है। अभी डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके वहाँ से बाय करना होता है, जो भी बाय करना है हमें प्लगइन, ठीक है। तो पहले तो क्या होता था कि यहाँ पर हम लोग को अलग से विंडो ओपन हो जाती थी, जैसे हम लोग इसको ओपन करते थे तो वैसे डायरेक्टली विंडो ओपन हो जाते, तभी इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बता रहा है कि हाँ वो सॉफ्टवेयर जो प्लगइन होता है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये एरर आ रहा कि भाई है ही नहीं तो फिर ओपन नहीं हो रहा है, तो वही मैसेज आ रहा है और कुछ नहीं। तो इसको हम लोग को बंद करना है कि भाई ये है ही नहीं तो फिर इसको ओपन करके क्या फ़ायदा, क्योंकि इसको मैं जितनी बार भी ओपन करता हूँ बार बार ये मेरे को मैसेज आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा इस तरह का मैसेजेज, ठीक है। तो इसको भी हम लोग को कैसे बंद करना है तो ये मैं बताता हूँ, इसको बंद करने का तरीका क्या है। तो अभी ये तो चलो मैं ऐसे इसको बंद कर दिया, फिर दोबारा चालू करूँगा फिर से ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं फिर से अगर इसको अपने 3D Max को दोबारा चालू करूँगा तो अगर आपको दिखाता हूँ, दोबारा अगर मैं चालू करूँगा तो फिर से वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए अभी ओपन हो रहा है मेरा 3DX Max, देखो फिर से ओपन हो गया, देखो ये जो विंडो फिर से डायरेक्टली ओपन ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, ठीक है। तो बार बार मेरे को क्लोज करने पड़ रहा है, जितनी बार भी मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ, जितनी बार भी ओपन कर रहा हूँ उतनी बार भी वो ओपन होते जा रहा है, बार बार जितनी बार मैं 3D Max को ओपन कर रहा हूँ। तो इसको परमानेंटली गायब करने का तरीका क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में एक बताया था कि हम लोग ENU फोल्डर से उधर से रीसेट कर सकते हैं, जब हम लोग को पूरी तरह से रीसेट करना है। तो उसके अंदर क्या होता है, ENU फोल्डर को हम लोग रीसेट भी करें तो क्या होगा कि जैसा डिफॉल्ट आता है वैसा सेटिंग डिफॉल्ट हो जाती है, ठीक है। तो मगर जाके ये जो एक्सचेंज वाला जो ये है, जो ये आ जाता है डायलॉग बॉक्स, तो उसको हम लोग को परमानेंटली डिलीट करना है, हटाना है। तो उसके लिए उसको हम लोग को परमानेंटली हटाने के लिए उसके ENU फोल्डर में जाके उसके अंदर कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ENU फोल्डर को मैंने बताया था कि हम लोग ENU फोल्डर कैसे कहाँ से निकाल सकते हैं, पहले हम लोग को फोल्डर ऑप्शन में जाके जितने भी जो हिडन फाइल्स हैं उसको शो करना होगा, यहाँ से शो करके फिर जाके ओके करके, तो उससे क्या कि जितने भी हिडन फाइल्स हैं हम लोग को शो होने लगेगी। फिर हम लोग को जाना अपने यूज़र अकाउंट में, यूज़र वाले फोल्डर में, सी ड्राइव के अंदर यूज़र फोल्डर के अंदर, फिर इसके अंदर हम लोग को जाना है अपने जो यूज़र नेम है, जो आपका यूज़र नेम है, जैसे मेरा यूज़र नेम है गेम प्ले, तो वैसे ही आपका यूज़र नेम जो भी होगा, एडमिन होगा या फिर आपका नाम होगा, उसी नाम पे उसी नाम के फोल्डर में आपको जाना है। फिर उसके बाद जाना है आपको एप्लीकेशन डेटा के अंदर, फिर उसके बाद आपको जाना है लोकेज के अंदर, फिर उसके बाद में जाना है लोकल के अंदर, फिर लोकल के अंदर जाने के बाद फिर उसके बाद जाना है ऑटोडेस्क के अंदर, फिर उसके बाद जाना है 3DX Max के अंदर। फिर इसके अंदर कौन से 3DX Max में आपको एरर आ रहा है, मेरे को एरर आ रहा है 3D Max 2014 के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ENU फोल्डर के अंदर हम लोग को क्या करना है, जो 3D Max की जो फाइल है, जो ये देखो 3dmax.ini करके ये जो फाइल है उसके अंदर हम लोग को चेंज करना होगा कुछ हद तक। उसको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले चेंज करने से पहले हम लोग को 3D Max को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद जब 3D Max बंद हो जाए एक बार रिफ्रेश कर लेना है अपने इस ENU वाले फोल्डर को, फिर बंद हो गया पूरी तरह से, फिर इसको राइट क्लिक करते हैं, फिर राइट क्लिक करने के बाद फिर इसको करते हैं ओपन विथ नोटपैड, ठीक है, ओपन विथ नोटपैड करते हैं। कि ओपन विथ नोटपैड करने पे हम लोग को मिलता है इस तरह का ये लिखा हुआ टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को क्या करना होगा, इसके अंदर हम लोग एडिट मेन्यू में जाके करते हैं फाइंड,
फाइंड फाइंड करते हैं। तो इधर पे हम लोग को क्या सर्च करना है, इधर पे हम लोग को सर्च करना है, ये देखिए जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ शो एक्सचेंज स्टोर मैसेजेस डायलॉग, ठीक है। यानी कि जहाँ पर ये शो एक्सचेंज स्टोर मैसेजेस डायलॉग लिखा हुआ है वो वाला कहाँ पर लिखा हुआ है वो हम लोग को ऐसे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ पर फाइंड में जाके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर के जितने भी गैप्स हैं उसको निकाल देना है, जो भी गैप्स हैं, नहीं तो काम नहीं करेगा। यानी कि गैप नहीं होने चाहिए, यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर करते हैं फाइंड। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए ये हम लोग को मिल गया, ये रहा, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे ढूंढ भी सकते थे कि हाँ भाई किधर पे है, पूरा हम लोग को ढूंढना पड़ता है, इतना सारा लिखा हुआ है कि हम लोग नीचे 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 जाएंगे, ध्यान से देखते रहना पड़ेगा कि वो किधर पे लिखा हुआ है। इधर पे हम लोग को दिखाई देगा, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ तो काफ़ी टाइम लग रहा है। अभी देखिए ये रहा, ओके ये रहा शो एक्सचेंज स्टोर मैसेजेस डायलॉग, ठीक है। जो यानी कि फाइंड करने की ज़रूरत है आपको, बस ऐसे भी आप स्क्रोल करके ढूंढ सकते हो, मगर आपको ध्यान से देख के ढूंढना होगा, ठीक है, कि वो आखिर में लिखा किधर पे है। ये देखिए सो एक्सचेंज स्टोर मैसेजेस डायलॉग। अब इसके अंदर क्या करना है, चेंज क्या करना है, इसके अंदर जो आगे वन लिखा हो, वन की जगह पे इधर पे रखना है जीरो, जीरो कर देना है इसको, जीरो कर दिया मैंने। जीरो करने के बाद फिर कर देना है इसको सेव, सेव करने के बाद फिर कर देना है बंद, हो गया फाइनली। अब ये सेव हो गया है जीरो लिख के, फिर इसको हम लोग करते हैं अपने 3ds Max को ओपन, फिर हम लोग देखते हैं कि वो अभी डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है कि नहीं। ओके ये देख सकते हैं अभी यहां पर वो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ नहीं, मैं कितनी बार भी अपने 3ds Max को ओपन करूं तो वो पूरी तरह से हट गया है, वो अभी ओपन होगा ही नहीं। यानी कि उसको मैंने जीरो वैल्यू दे दिया, यानी कि वह एक भी बार नहीं ओपन होगा। जीरो वैल्यू का मतलब कि एक भी बार नहीं, यानी कि शून्य, यानी कि ओपन होगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर वो फाइनली ओपन होगा ही नहीं, तो फिर हम लोग को बार बार उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ तक तो इतना आपको समझ में आ गया हो कि मैं कैसे हम लोग कैसे उसको क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हम लोग जो ऑटोडेस्क का एक्सचेंज स्टोर वाला जो डायलॉग बॉक्स विंडो जो ओपन हो जाता है 3ds Max ओपन करने के बाद स्टार्टिंग में, उसको हम लोग कैसे बंद कर सकते हैं, परमानेंटली कैसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।